हाय फ्रेंड्स, आज कैसे सिंधी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट निहारा और ये वीडियो जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा स्पेसिफिकली एस्टेक के बारे में है। एस्टेक एक ऐसा एग्जीबिशन है जहां पर अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, या आपको आपके घर का इंटीरियर डिजाइन करना है, नए वेंडर्स नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये एग्जीबिशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बॉम्बे में ये, मुंबई में ये 7-10 नवंबर में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में है, और एक दिन है, आप इफ पॉसिबल इसको जरूर अटेंड कीजिए। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स डिफरेंट हॉल्स में डिस्प्ले किए जाते हैं, जैसे कि ये हॉल नंबर 1 है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कर्व वॉल पर ब्यूटीफुल कस्टमाइज ग्लास मोजेक किया हुआ है। तो अगर आपको कस्टमाइज डिजाइन कहीं पे चाहिए आपके घर में, आपके बाथरूम्स में, तो आपको छोटे छोटे जो मोजेक टाइल्स होते हैं उसमें आपको बहुत खूबसूरत डिजाइन करके मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मॉकअप्स भी किए हुए हैं। उसी के साथ ये जो है, यहाँ पर मेटल के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, फ्रेम्स और बहुत सी चीजें हमने देखी। कुछ 3D वॉल आर्ट अगर आपको लगाना है, आप फ्लैट कोई पेंटिंग नहीं लगाना चाहते, तो आई थिंक ये एक वंडरफुल आइडिया है। और आजकल मेटल इंसर्ट और मेटल का टच घर में ऐड करना बहुत इन है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये मंदिर भी स्पेसिफिकली आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, और थैंक यू सो मच मुझे आके मिलने के लिए और ये शेयर करने के लिए कि आपको वीडियोस देखना बहुत पसंद है। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल स्क्रीन्स में ये एक स्टॉल था जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन थे और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा था। और स्टेनलेस स्टील में जो प्लेट्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं बैकड्रॉप में बहुत सारे फिनिशेस अवेलेबल थे। और अगर आपको किसी चीज को मेटल मेटल कोटिंग करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर था। ये स्क्रीन्स अगर आपको आपके घर में पार्टीशन चाहिए, डिवाइडर चाहिए, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। किसी वॉल को हाईलाइट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे फिनिशेस इसमें अवेलेबल थे। ये जो है, जो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अंडर काउंटर जो वाटर प्यूरिफायर सिस्टम आजकल अवेलेबल होता है, तो ये 0B से है। आप जैसे कि देख सकते हैं काउंटर के नीचे आपका जो वाटर प्यूरिफायर है वो फिक्स होता है, और उसी के साथ नीचे वाटर स्टोरेज टैंक भी होता है। यहाँ पर क्योंकि हम देख सकें, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर इसको रखा है, और सिंक के ऊपर जो दो टैप्स होते हैं उसमें से एक आपका नॉर्मल पानी का है और दूसरा जो है वहाँ से आपका प्यूरिफाइड वाटर आता है। ये एक दूसरा स्टॉल है जहाँ पर एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम सेक्शंस में वार्डरोब के शटर्स हैं, और उसमें भी बहुत कुछ डिजाइंस थे और उसमें फिनिशेस भी डिफरेंट थे। शैम्पेन था, शैम्पेन फिनिश था, फिर स्टील फिनिश था, फिर ब्लैक फिनिश भी था। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक सिंक्रोनाइज्ड स्लाइडिंग डोर भी है। इसको एक साइड से जो एल्यूमिनियम जो सेक्शंस हैं वो एक साइड से और दूसरे साइड से कंप्लीट ग्लास है, बट मुझे इसका फ्रंट से जो लुक था बहुत अच्छा था और काफ़ी स्लीक था। अगर आपको कहीं पे करना है तो इट वोंट इवन टेक लॉट ऑफ स्पेस, एंड बिकॉज इट इज सिंक्रोनाइज तो यूज़ करना बहुत ही आसान होगा और काफ़ी स्मार्ट दिखेगा। मैंने जो सारे प्रोडक्ट्स देखे उसमें ये मेरा फेवरेट था, कस्टमाइज डिजाइनर स्विचेस। यहाँ पर ग्लास, रेजिन वुड, रेजिन फॉसिल, ब्लॉक कोरियन कलर्स, उसी के साथ कॉन्क्रीट फिनिश, ब्रिक फिनिश और स्टोन फिनिश, जो कि मेरा सबसे फेवरेट था। तो अगर आपको आपके वॉशरूम्स में या कहीं पर भी आपने स्टोन यूज़ किया है वॉल पर और आप स्विच बोर्ड डिफरेंट नहीं दिखाना चाहते, तो एग्जैक्टली आपको वो मटेरियल सप्लाई करके उसी में से स्विचेस मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर स्विचेस, और जो आपको देखकर भी आपको नहीं समझ पाएगा और आप नहीं समझ सकते। ये जो है वुडन फिनिश में जो आप देख सकते हैं, ये आपको बेड के हेडबोर्ड में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साइड में, अगर आपको पैनल करना है, अगर आपको स्पेसिफिकली बटन नहीं दिखाना है। यहाँ पर भी एक मार्क बनाया हुआ था सो दैट यू शुड नो कहाँ पर बटन है, बट अदरवाइज कोई देखकर बता भी नहीं सकता कि ये एक्चुअली एक स्विच बोर्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर के लाइट के साथ इसको कनेक्ट किया गया था, तो इसी तरह कोई भी स्टोन हो, कोई भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आप उनको मटेरियल सप्लाई करके आपको चाहिए उस फॉर्म में, उस शेप में आपको स्विच बोर्ड मिल सकता है, विच इज वंडरफुल। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल में एलईडी में बहुत सारे नए फिटिंग्स देखे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक प्रोफाइल लाइट है। यहाँ पर एक गाइड होता है, एक ट्रैक होता है जो कंसील है, जिसके अंदर ये लाइट्स फिट होते हैं और ये आप कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हैं। इस
ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफाइल इज कि यहाँ पर आप इसमें कोई भी लाइट लगा सकते हैं, ट्रैक लाइट लगा सकते हैं, अगर आपको कोई वॉल वॉशर वॉल हाइलाइटर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसको 180 डिग्रीज में कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉक प्रूफ है, तो अगर आप उंगली अंदर डाल के इसको टच भी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो दीवार से सीलिंग से अगर आपको दीवार पे उतारना है तो ये एक बहुत सुंदर चीज है, आपने देखा होगा। अगर आपको कंसील नहीं करना है तो इसका सरफेस फिटिंग भी अवेलेबल है, तो अगर आपको ऊपर से फिक्स करना है तो वो भी पॉसिबल है। और उसी के साथ हमने यहाँ पर बहुत कुछ वैरायटी देखी, जो प्रोफाइल लाइट्स होते हैं, कंसील प्रोफाइल लाइट्स या सरफेस प्रोफाइल लाइट्स के जो स्ट्रिप्स होती हैं उसमें हमने बहुत सी वैरायटी देखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टू वे है या जो एक यूनिफॉर्म लाइट है उसमें भी बहुत सारे इतने ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। जनरली किचन में अंडर काउंटर हम ऐसे लाइट्स लगाते हैं। सीलिंग में भी आप ये लाइट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल एलईडी लाइट्स में भी बहुत ऑप्शंस देखे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रोप लाइट जैसे दिखता है और ये कोई फिक्स्ड लेंथ में नहीं मिलता, तो अगर आपको जो जिस भी लेंथ में चाहिए उस लेंथ में आपको ये बना के मिलता है, जो हम नेचुरल हमेशा देखते हैं उसे काफी डिफरेंट था ये। अगर आपको फोर वे टू वे आपको वॉल हाईलाइट करनी है, किसी लॉबीज में वॉल को हाईलाइट करने के लिए फिटिंग्स यूज होते हैं, टाइल्स के भी बहुत सारे शॉप्स थे। और ये जो हम देख रहे हैं होम ऑटोमेशन या बिल्डिंग या ऑफिस ऑटोमेशन सॉल्यूशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा कि आप मोबाइल के ऐप से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कर्टन से लेकर लाइट्स, एसी, यहाँ पर आप एक जगह पर होकर अगर आप घर पे हैं फिर भी आप ऑफिस का सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, आपके घर के लिए एक मूड सेट कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो समझो आपने एक बटन है जिसके ऊपर लाइट्स ऑफ ऐसे किया, तो आप बाहर जाते ही बटन वो प्रेस कर देंगे तो सारे लाइट सब कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक घर का पूरा प्लान लगाया था जहाँ पर बहुत सारे फिटिंग्स उनके जो स्विच बोर्ड है वो लगाए थे, और जिनसे उन्होंने मुझे प्रॉपर डेमो दिया और मैंने ऑटोमेशन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप कैसे डिम कर सकते हैं। हॉल वन में सब कुछ देखते देखते ही टाइम एक्चुअली वक्त ख़त्म हो गया और हम लोग बाकी कुछ नहीं देख पाए। कल का दिन ये है, 10 नवंबर को ये है, अगर आप पॉसिबल है ज़रूर विजिट कीजिए, एक पूरा दिन निकाल के जाइए क्योंकि देखने में बहुत वक्त लगता है। और क्योंकि हम हर साल आते हैं हमने कुछ कुछ चीज़ें सिलेक्ट की जो हमें देखनी थी और कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की, तो मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए आज कुछ नई चीज़ जो आपने अगर इस वीडियो से सीखी है, या अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।